भाई और बहनों, देवगढ़ सज्जनों, आपका स्वागत है आज के एक नए मज़ेदार ताज़ा ताज़ा ब्लॉग में। सो मैंने बहुत सोचा कि मैं आज कौन सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास बेसिकली सुबह का ही टाइम रहता है और फिर बाद में मैं शाम को घर पर आती हूं और मैं बहुत ही थक जाती हूं, और कंटेंट बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ सैटरडे और संडे होता है। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं आज कौन सा वीडियो बनाऊं। तो मैंने मेरे भेजे पर थोड़ा जोर डाला और बहुत ही इंटेंसिवली सोचने के बाद में, बेसिकली 2 मिनट्स लेटर, एनीवे, बहुत ही सोच समझने के बाद में मेरे भेजे में एक आइडिया आया। और जो मेरा आइडिया है ना, वो ये है कि आज जो मेरा घर है उसकी मैं साफ सफाई करूंगी। और मुझे पता है कि अभी आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपको ऐसे ब्रिलियंट आइडिया कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, मतलब कि आप जीनियस हो दीदी। और ऐसे सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मेरा जवाब सिर्फ एक ही है और वो ये है कि एक सीक्रेट है। ऐसे छोटे छोटे देशों में ऐसे बड़े बड़े सीक्रेट होते हैं। मैं मेरी नॉनसेंस थोड़ी कम करती हूँ, और बेसिकली जो आज हम करने वाले हैं वो ये है कि हमें मेरे घर की साफ सफाई करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि दीदी आप एक हाउस टूर वीडियो बनाइए, हमें आपका घर देखना है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा घर है ना, ये जो मेरा कबाड़ खाना है ना, वो बहुत ही मैसी है। तो हाउस टूर वीडियो बनाने से पहले मुझे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, जो कि हम आज करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा बेडरूम, और जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर है मेरा कुत्ता। आइको री मंगमंगी शिमशिमे अम्मा का मियाँ ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे बेडरूम की साफ सफाई से। और सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे बोरिया बिस्तर है ना, उसको मैंने ठीक करना है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी बहुत ही मुश्किल और बहुत ही स्ट्रगल के बाद में ये जो मेरा बेड है ना, बोरिया बिस्तर, मैंने उसको टनटनाट कर दिया है। मंगमंगी थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो अभी हमने हमारे बेडरूम की साफ सफाई कर दी है, और अभी नेक्स्ट हमें चलना है, कहाँ पर जाना है, तदान, यहाँ पर मेरी रसोई में। तो ये देखिए मेरी किचन कितनी मैसी है। तो ये है मेरा संडे का कॉफ़ी ग्लास, और ये है मेरा मंडे का कॉफ़ी ग्लास। तो अभी तक सब यहाँ पर ही जमा हुआ है, और मुझे इनकी साफ़ सफाई करनी है। तो अभी हम साफ़ सफाई करेंगे मेरी किचन की। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन में क्या है। तो यहाँ पर हैं कुछ बर्तन जो कि मैंने शायद 3 दिन पहले साफ़ करे थे, और अभी तक यहीं पर ही हैं। तो मुझे इन बर्तन को यहाँ पर ऊपर जचाना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है। और यहाँ पर है मेरे मार्बल्स के ग्लास, तो इनको भी मुझे इनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है। मम्मा ही लुक हम गुड आई हम वाओ नो नो आई ब्रोक इट। कल मैंने कुछ पिज्जा ऑर्डर करा था और यहाँ पे आधा बच चुका है, तो आज मैं इसको लंच में खाने वाली हूँ। तो मैं इसको अभी यहीं पर ही रख देती हूँ। तो अभी आप सोच रहे हो कि दीदी आपके पास ये जो लैगेज है ना, वो यहाँ पर क्यों है, क्या आप इंडिया जा रहे हो, क्या आप अपनी मम्मी पापा से मिलने जा रहे हो? नो। तो बेसिकली एक बहुत ही फनी और स्टूपिड स्टोरी है। जैसे कि आपको पता है मेरे पास बहुत ही सारे कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं कि मेरे पास एक पूरा रूम है कपड़ों का, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है और भी कपड़े रखने का। सो एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, बाय गॉड इतना गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि ये जो सारे मेरे कपड़े हैं ना, मैं उनको फेंकूंगी। तो मैंने क्या करा कि उन सारे कपड़ों को यहाँ पर पैक कर दिया, और मैंने सोचा कि मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी, किसी को दान दे दूंगी, किसी को दे दूंगी। क्योंकि जब भी मैं इतने सारे कपड़े देखती हूँ ना मेरे क्लोजेट में, तो मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे इतना स्ट्रेस होता है, मेरा इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है जब भी मैं सोचती हूँ कि आज मैं कौन से कपड़े पहनूँ। तो इसकी वजह से ये मेरे लैगेज यहाँ पर है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो घर का कचरा है ना, जो ट्रैश है, वो हमें बाहर फेंकने जाना है। तो लेट्स गेट रेडी, पुट योर मास्क ऑन, पुट योर जैकेट ऑन, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी है बाहर, और अभी ये जो कचरा है ना, वो हम फेंकने जाते हैं। Let's go to throw the trash.
तो अभी हम इसको फेंकने जाते हैं बाहर। खुदा तो ये जो फूड ट्रैश है ना, आपको हमेशा इसको अलग से फेंकना पड़ता है सेपरेटली, और इसके अलग से पैसे लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फूड ट्रैश को आप कोरिया में कैसे फेंक सकते हैं। तो मेरे अपार्टमेंट के बाहर ये एक मशीन है, फूड ट्रैश की मशीन। सो यहाँ पर आप फूड ट्रैश फेंक सकते हैं। सो बेसिकली जो भी यहाँ पर रहते हैं ना, उनके पास एक स्पेशल कार्ड है जो कि ये वाला कार्ड है, तो आपको इसको यहाँ पर लगाना पड़ता है और ये यहाँ पर खुल जाता है, और उसके बाद में आप ये फूड ट्रैश फेंक सकते हैं। जो भी मैंने खाना फेंका है वो है 55 ग्राम्स, और उसके बाद में ये जो गंदी प्लास्टिक है वो आप इसके अंदर फेंक सकते हो। और अभी ये वापस बंद हो रहा है। तो बेसिकली हर महीने जब भी मेरे पास बिजली और पानी का बिल आता है, तो अलग से मेरे पास ये जो फूड ट्रैश का बिल है ना, उसका भी आता है, तो हर महीने मुझे अलग से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और यहाँ पर आप प्लास्टिक कैंस, ग्लास और पेपर है ना, वो यहाँ पर आप फेंक सकते हैं। तो जब भी आप बाहर आते हो ना कचरा फेंकने के लिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर CCTV रख रखी है जो 24 आवर चलती है। तो अगर आपने गलती से पेपर, प्लास्टिक, ग्लास मिक्स कर दिया और गलती से गलत जगह पर फेंक दिया, तो आपको फाइन लग सकती है। तो यहाँ पर है पेपर ट्रैश, यहाँ पर है विनिल, यहाँ पर है प्लास्टिक, यहाँ पर है कैन, यहाँ पर है प्लास्टिक बॉटल, यहाँ पर है पेपर, और जो ग्लास है ना, ग्लास बॉटल्स, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोजू की बॉटल्स। तो अभी हम वापस घर पर चलते हैं और जो बाकी की साफ सफाई है वो करते हैं। भाई और बहनों, देवर सज्जन, आपका स्वागत है मेरे बाथरूम में। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोना टेक अ शावर, ड्रेस अप, और उसके बाद में खाना खाना है और जॉब के लिए जाना है। सो आई सी यू लेटर, बाय। सो नाउ आई एम गेटिंग ड्रेस्ड अप। ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे। सो मैंने एक जीन्स स्कर्ट पहन रखी है, यहाँ पर है नी सॉक्स एंड वाइट शर्ट, और उसके ऊपर एक ब्लैक स्वेटर। तो कैसा लगा आपको मेरा आउटफिट ऑफ द डे, प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरी फैशन कैसी लगती है। और अभी मुझे क्या करना है, मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है, और उसके बाद में मैं मेरे बाल थोड़े सही करूँगी और जो मेरा मेकअप वगैरह है वो भी थोड़ा सही करूँगी। तो लेट्स हैव लंच। सो हियर आई हैव सम लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा, तो मैं ये पिज्ज़ा खाने वाली हूँ लंच के लिए। तो सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। तो अभी हो चुका है मेरा लंच का टाइम, तो मैं खाने वाली हूँ ये वाला पिज्ज़ा। और अभी हम खाने वाले हैं ये कोरियन ऑरेंज। मंगमंग को फ्रूट्स है ना बहुत ही पसंद है। एक्चुअली इसको फ्रूट्स मीट से भी ज़्यादा पसंद है, तो मंगमंग का सबसे फेवरेट फ्रूट है ऑरेंज। यो कच्ची मुक्चा ऐसा He always sits down whenever he's about to eat. Kidario.
이거 나중에 먹자. 이거 나중에 먹어요, 우리. So, आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप कि आपको आज का भी ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं आपको मिलूंगी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ. बाय, आई लव यू.